हेलो एवरीवन आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी तो चलिए आज का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं फ्रॉम द कोर्स बी एड एंड कोर्स सेटल पीस एंड वैल्यू एजुकेशन आप अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो आपको बताना चाहती हूँ बी एड के फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी कोर्स साइटल है उसके सारे टॉपिक्स अवेलेबल है मेरी चैनल पे आप वहाँ पे प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं वहाँ पे ऑडो वाइज सारे वीडियोस अवेलेबल है तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज़ एम्स एंड ऑबजेक्टिवज़ ऑफ पीस एजुकेशन ठीक है यहाँ पे एम्स एंड ऑबजेक्टिव है तो एम्स क्या होते हैं आखिरी मकसद ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं छोटे छोटे कदम फॉर एग्जाम्पल आपकी एम है कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है वो आपका फाइनल मकसद है ठीक है तो उस एम को पाने के लिए आप छोटे छोटे कदम लेते हैं तो वो जो छोटे छोटे क़दम है वो है ऑब्जेक्टिव मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब तो चाहिए चाहे आप एक छोटे मतलब पढ़ाई कर रहे हो आप साथ साथ में जो है उसके लिए रिलेटेड टेस्ट दे रहे हो तो आप अलग अलग कदम लेते हो छोटे छोटे कदम उस एम को पाने के लिए तो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो चेंज हो सकते हैं मतलब आप एक रास्ता ना अपना के दूसरा रास्ता अपना के जो है गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो ऑब्जेक्टिव चेंज हो सकते हैं लेकिन एम जो है फाइनल मकसद जो है वो सेम रहता है ठीक है तो ये मैंने शॉर्ट में आपको जो है समझाने की कोशिश की एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ़ पीस एजुकेशन पीस एजुकेशन जो है एम्स टू प्रमोट ए कल्चर ऑफ पीस बाई टीचिंग इंडिविजुअल अबाउट मतलब कि पीस एजुकेशन जो है ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहता है जहाँ पे पीस जनरेट हो अमन कायम रहे कैसे वो कायम रहता है बाई टीचिंग इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स मतलब लोगों को पढ़ाना पीस एजुकेशन का मकसद है किसके बारे में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मतलब कि अगर कहीं पर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, हो रहा है तो उसको वो अच्छे से बाई ऑप्टिंग uh, 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 मतलब मिनी स्किल्स वो कैसे उन कॉन्फ्लिक्ट्स को मतलब रिजॉल्व कर सकता है तो वो उस इंडिविजुअल को सिखाया जाता है और वो एम्पथी उसके मन में एम्पथी होनी चाहिए मतलब कि अगर कहीं पे कोई इनजस्टिस इन इक्वालिटी हो रही है तो उनके लिए कुछ करना उसके मन में वो जनरेट करना है ये मकसद रहता है पीस एजुकेशन का और रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी उनको ये भी सिखाया जाता है कि वो डाइवर्सिटी मतलब कि हमारे इंडिया में डाइवर्सिफाइड पीपल uh, है मतलब उनका अलग अलग लोगों का अलग अलग रिलीजन है अलग अलग, -अलग लोगों का अलग अलग कल्चर है तो उनको एक दूसरे की डाइवर्सिटी या एक दूसरे के रिलीजन या कल्चर को रेस्पेक्ट करना सिखाया जाता है इंडिविजुअल को ठीक है तो अब यहाँ पे एम्स में आता है पहले हम देखते हैं कि अमन की तालीम का मकसद एक ऐसी तहजीब बनाना है जहाँ लोगों को अमन समझदारी और अखलाक इखलाक की वैल्यू सिखाई जाए इसका एम है कि लोग समझ सके कि कैसे वो लड़ाई झगड़े ख़त्म कर सकते हैं और एक दूसरे की इज़्ज़त करें यहाँ कुछ मकसद और ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं जैसे एम्स में अगर हम देखें प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट समझ और इज़्ज़त लोगों में फारो करना या प्रमोट करना सकाफतों या अकायद और वैल्यूज़ को समझने और इज्जत करने की तालीम देना ताकि लोग एक दूसरे को समझे और टॉलरेट कर सकें ठीक है डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग ऐसे स्किल्स को बेहतर बनाना ताकि लोग तनकीदी सोच या क्रिटिकल थिंकिंग कर सकें और मसाल का हल निकाल सके अगर कहीं पर झगड़ा हो रहा है तो ऐसी थिंकिंग बच्चों में डेवलप करना कि वो उस टाइम सोचे और वो झगड़ा हल कर पाए इंक्रेज एक्टिव पार्टिसिपेशन इसका मतलब क्या है कि हिस्सा लेना लोगों को अपनी कम्युनिटी में हिस्सा लेने के लिए इंस्पायर करना ताकि वो समझे इंसाफ और बराबरी के लिए काम करें मतलब कि अगर कहीं पे इंसाफ नहीं हो रहा है तो इंडिविजुअल को पढ़ाना कि वो वहाँ पे कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है अगर किसी के साथ इनकवालिटी हो रही है तो हमें वहाँ पर जाके उस इनवालिटी को ख़त्म करना चाहिए ये हमें बच्चों को सिखाना है ये मकसद है पीस एजुकेशन का कल्टिवेट एम्पथी इसका क्या मतलब है एम्पथी का तख्लीक लर्नर्स को ये सिखाना कि वो दूसरों की फीलिंग्स को समझे और समझे समझ के उनके अमल को दूसरों की ज़िंदगी पर क्या असर होता है ठीक है या उनके अमल का दूसरों की जिंदगी पे क्या असर हो रहा है या ऐसे मैंने पहले भी बोला कि उनमें ऐसी जो है एम्बी जनरेट करना है कि अगर उन्होंने कहीं पे कुछ देखा तो उसमें एक्टिवली पार्ट मतलब पार्टिसिपेट करें या हिस्सा ले या उनके लिए कुछ करें ठीक है आ... एम्पथी मैंने पहले भी समझाया था एक होता है सिम्पथी सिम्पथी मतलब किसी के लिए मन में वो जनरेट होना फीलिंग मतलब हाई ये बेचारा है लेकिन एम्पथी क्या होता है उस बेचारे के लिए कुछ करना ठीक है बिल्ड स्किल फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बच्चों में ऐसे स्किल्स डेवलप करना कि अगर कहीं पर कोई कॉन्फ्लिक्ट uh, हो, हो रहा है ठीक है कोई मसला हो रहा है तो उनमें ऐसे स्किल जनरेट करना कि वो उनको रिजॉल्व कर सके मतलब अगर दो दोस्तों में झगड़ा हो रहा है तो बच्चों में हम ऐसे स्किल्स मतलब उनमें डेवलप करेंगे बिल्ड करेंगे कि उनको बोलेंगे अगर आपका झगड़ा हो रहा है तो आपस में बातचीत करो कम्युनिकेशन स्किल्स हम उनमें जनरेट करेंगे उससे जब वो बातचीत करेंगे चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी तो उससे वो रेजोल्यूशन जो है उनके बीच में वो दूर हो जाएगा नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव ठीक है अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट को समझना लर्नर्स को ये समझना कि ये लड़ाई झगड़ा क्या होता है उनकी वजहें क्या होती है और उनका असर क्या होता है उनको हमें ये भी सिखाना है अगर आप झगड़ा करोगे तो आपको क्या होगा आपको जो है एंगजाइटी आएगी स्ट्रेस होगा इससे फिर आपकी सेहत पर असर पड़ेगा तो उनको वो समझाना और फिर उनको बताना कि आप उसको कैसे जो है रिजॉल्व कर सकते हो तो वो जब ये समझेंगे तो वो कभी भी जो है नॉन वायलेंस की तरफ नहीं जाएंगे वो हमेशा अमन से रहेंगे तो फिर टीचिंग नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन तो बच्चों में नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन सिखाना है ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाना है जो नॉन वायलेंट इंट्रैक्शन को फ़ारो दे और गलत फहमी को कम करे ठीक है तो उनको सिखाना है कि वो आपस में बातचीत करें और नॉन वायलेंस जो है वो अपनाएं मतलब कि आपस में अच्छे से रहें बिना लड़ाई झगड़े के और बातचीत से सारी चीज़ें सुझाएँ फॉस्टिंग कोलाबेरेटिव स्किल्स बच्चों में हमें क्या स्किल्स सिखानी कोलाबरेटिव स्किल्स टीम वर्क उनको सिखाना है उनको बताना है आप आपस में कैसे अच्छे से काम कर सकते हो ना कि अलग अलग एक दूसरे से अलग होके ठीक है तो उससे क्या होगा वो मिलकर काम करेंगे और उनको एक दूसरे की वैल्यू करना आएगा एनकरेजिंग सिविक रिस्पांसिबिलिटीज लोगों में सिविक रिस्पांसिबिलिटीज का एहसास डालना और उन्हें अपनी कम्युनिटी में अच्छे अमल करने के लिए मोटिवेट करना जब हम इंडिविजुअल्स को दिखाएंगे कि वो अपनी सोसाइटी में कैसे अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं तो वैसे भी क्या होगा ओवरऑल पीस जनरेट होगा प्रमोटिंग सोशल एंड इमोशनल लर्निंग बच्चों में सोशल एंड इमोशनल लर्निंग स्किल्स को बेहतर बनाना ताकि लोगों के दरमियान बेहतर तालुका हो और मेंटल वेलबींग well बाहर मेंटल वेलबींग बढ़ सके मतलब कि बच्चों में ऐसे स्किल जनरेट करना कि वो सोसाइटी में क्या हो सकते एक दूसरे से जब आजकल देखा जाता है लोग अलग अलग रहते हैं लेकिन जब हम उनको बताएंगे कि वो एक दूसरे को इमोशनली कैसे सपोर्ट कर सकते कैसे वो बातचीत करके अपने आप को मतलब टेंशन से दूर रख सकते हैं तो उससे क्या होगा जब इंसान अंदरूनी जो उसका सुकून होगा वो जनरेट होगा तो वो सोसाइटी में भी अच्छे से रहेगा लोगों से घुल मिलेगा लड़ाई झगड़े का उसका मन नहीं करेगा तो सेलिंग वैल्यूज ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी तो उनमें क्या करना है इंसाफ बराबरी और इंसानी हकूक़ के वैल्यूज़ को समझना ताकि लोग इन प्रिंसिपल्स के लिए एडवोकेसी कर सकें अगर उनमें मतलब फीलिंग्स जनरेट करना है जस्टिस के लिए इक्वालिटी के लिए जब उनको पता चलेगा जस्टिस क्या है इक्वालिटी क्या है जब वो देखेंगे कहीं भी इनजस्टिस हो रहा है इनक्वालिटी हो रहा है तो उसके लिए वो बाहर मतलब अपनी आवाज़ उठाएंगे ठीक है क्रिएटिंग ए कल्चर ऑफ़ पीस हमें क्या करना है ऐसे माहौल को जनरेट करना है जहाँ अमन की अहमियत समझी जाए और अमल किया जाए ताकि आने वाली नस्लों को भी अमन का पैगाम मिले तो ये थे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव तो हमें क्या करना है ओवरऑल इंडिविजुल्स में फीस एजुकेशन का क्या मतलब है हम इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को अमन के रिलेटेड तालीम दें उनको समझाए अलग अलग जरिए से अलग अलग मेथड से कि अगर वो लड़ाई झगड़ा करेंगे तो उससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे अगर वो अमन के साथ रहेंगे तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं तो ये थे एम्स एंड ऑब्जेक्टि ऑफ पीस एजुकेशन ठीक है पीस की तालीम का ये मकसद था तो इसी का नतीजा होगा अमन तालीम एक पुरस्कून सोसाइटी बनाने में अहमियत रखती है इसका फोकस समझ ठीक है अंडरस्टैंडिंग एम्पीथी और कॉन्फ्लिक्ट रेजोलूशन पर है जो लोगों को एक ऐसा जहान बनाने में मदद करता है जहाँ हिंसा और ना इंसाफ़ी ना हो ठीक यह है पीस एजुकेशन का तो उम्मीद है आप सबको ये सारा समझ आ गया अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो आप मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं कमेंट्स भी कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स